साहब आगे बढ़ो, निश्चल साहब आगे बढ़ो, आवाज दो, आवाज दो। बहुत सोच समझ के लिया है, थोड़ी भी सोचे। जो भी लीडर हमारे दिल्ली के अंदर, दो ही है देश में, एक हम सब की और एक सिंह बाली साहब के आम आदमी पार्टी आवाज दो, आवाज दो। मैं ये दावे से कह सकता हूँ, जो हम सब की रक्षा करते हैं, जम्मू कश्मीर के मात्र एसपीओज हैं जो फ्रंट लाइन पे काम करते हैं, और हमारे यहाँ के हुक्मरान, हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर, मात्र एसपीओज एक ऐसी फोर्स है जो एक प्रोटोकॉल है पुलिस का, वो खुद प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। वो लोगों के सामने यानी हायर अथॉरिटीज के पास ही अपनी आवाज तक नहीं पहुंचा सकते। पिछले 7 साल से मैंने एक संघर्ष शुरू किया था, और आज मैं मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। मीडिया ने भी इन 40,000 परिवार की आवाज को उठाने के लिए शायद गवर्नमेंट की दबाव को भी चैलेंज किया होगा। इससे कोई बात छुपी नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर गुंडों का राज है। जो सच्चाई सच्ची बात बोलता है उसके ऊपर बड़े दबाव भी आते हैं। उसके बाद भी जम्मू कश्मीर का एसपीओस इस वक्त 6,000 से 18,000 तक पहुँचाया गया है, और 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन का जो रिपिटिशन फाइल हुई है उसका हेयरिंग है। डीजी साहब नोटिस के रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, नहीं तो पिछले 21 सितंबर को जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओस को इंसाफ मिल जाता। उसमें हमने ये गुहार लगाई है कि जम्मू कश्मीर के एसपीओस को कांस्टेबल के तर्ज पर सैलरी मिलनी चाहिए, और दूसरी बात, जम्मू कश्मीर के एसपीओ जितने भी हैं उनको रेगुलर पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए, एक्सीडेंशियल रिलीफ उनको कांस्टेबल के बराबर दी जानी चाहिए, और रिटायर्ड जब एसपीओ होता है उनको रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाए। एक नंबर ये। दूसरा नंबर, मैंने पिछले 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में डिसएंगेज एसपीओ के बारे में एक पिटीशन फाइल की थी, जो 23 तारीख को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर दी, और कल मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से फोन आया, उसकी हेयरिंग 1 अक्टूबर को लग गई है, यानी सुनवाई 1 हफ्ते के अंदर सुनवाई। इसका मतलब यह होता है कि जम्मू कश्मीर के जनता के साथ जो आज तक नाइंसाफी हुई है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत बहुत जल्द इनको इंसाफ देगी। यही हमारा कहना भी है और हमारा भरोसा भी है। और एक बार फिर आप सभी चैनल्स का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इस मूवमेंट में मीडिया भी हमारे इन 40,000 परिवार के साथ हमेशा खड़ी रही। शुक्रिया। जय हिंद, जय रजौरी, जय आम आदमी पार्टी, जिंदाबाद। निश्चल साहब आगे बढ़ो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाली साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाली साहब जिंदाबाद।